किसी ने क्या खूब कहा है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे, और मैं हूँ शिवानी सिंह बघेल। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को शब्द विचार बता चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाक्य विचार पे। तो वाक्य विचार को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि कई वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है और कई सार्थक शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे सिपाही पकड़ा ने चोर, ये वाक्य को जच नहीं रहा है, इसका ना ही तो कोई भाव प्रकट हो रहा है और ना ही विचार। तो आइए इसको व्यवस्थित करके देखते हैं। सिपाही ने चोर को पकड़ा, अतः ये एक वाक्य है क्योंकि इसका कोई विचार प्रकट हो रहा है कि जो सिपाही है उसने चोर को पकड़ा। इसमें सिपाही करता है, चोर कर्म है और जो पकड़ना है वो क्रिया है, अतः ये एक वाक्य है। इसको बोलने से एक विचार मन में आ रहा है कि सिपाही जो है उसने चोर को पकड़ा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, दादी माँ कहानी सुनाती हैं। इसका भी विचार प्रकट हो रहा है कि जो दादी माँ है वो कहानी सुनाती हैं। दादी माँ कर्ता हो गई, कहानी जो है वो कर्म हो गया और जो सुनाना है वो क्रिया हो गई। वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो आइए देखते हैं कि उद्देश्य कहते किसे हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है, यानी कि जो कर्ता होता है वही उद्देश्य कहलाता है। जैसे मनीषा गीत गाती है, जो मनीषा है वो गीत गाती है, यानी कि गीत गाना किसके बारे में बताया जा रहा है, कौन गीत गाता है, तो मनीषा गीत गाती है। तो इसमें जो मनीषा है वो विधेय है, जिसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं। माँ ने मालपुए बनाए, मालपुए किसने बनाए, माँ ने बनाए। मालपुए बनाने के बाद किसके बारे में कहा जा रहा है, माँ के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे उद्देश्य माँ होगी। दूसरा आता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया या कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है, जैसे मनीषा गीत गाती है, तो उद्देश्य यहाँ पे मनीषा है और किसके उद्देश्य के बारे में बताया जाए, यानी कि मनीषा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मनीषा जो है वो गीत गाती है, तो जो गीत गाना है वो विधेय है। अब बात करते हैं वाक्य के भेद की। तो वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, पहला है अर्थ के आधार पे और दूसरा है रचना के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयवाचक वाक्य, पांचवा है संदेहवाचक वाक्य, छठा है आज्ञावाचक वाक्य, सातवा है संकेतवाचक वाक्य और आठवा है इच्छावाचक वाक्य। तो इन सबको हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया के होने की स्थिति या अवस्था का पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे किसान खेत में काम कर रहे हैं, जो किसानों की क्रिया है वो कहाँ संपन्न हो रही है, तो खेत में। तो यहाँ पे क्रिया का जो स्थान है वो पता चल रहा है कि क्रिया खेत में हो रही है, यानी कि उसका अवस्था और उसकी स्थिति का पता चल रहा है। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, जो हिमालय है वो भारत के उत्तर में स्थित है, उसकी स्थिति और उसकी अवस्था का पता चल रहा है, अतः ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया के न होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सिया गीत नहीं गाएगी, जो क्रिया है गीत गाना उसमें क्या है, नहीं लगा है, सिया गीत नहीं गाएगी, तो क्रिया के नहीं होने का पता चलता है, इसका मतलब वो हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, तो ये निषेधवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें क्रिया के न होने की पता चल रहा है। तीसरा है हम लोग का विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में आश्चर्य, खुशी,
दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे मोहन तुम आ गए, किसी ने मोहन को अचानक देखा तो उसने कहा अरे मोहन तुम आ गए, तो यहाँ पे आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, अतः यह विस्मयवाचक वाक्य है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, हे भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, यानी कि कोई है जो अपनी दुख प्रकट कर रहा है, हे भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो यहाँ पे दुख प्रकट हो रहा है, तो ये एक विस्मयवाचक वाक्य है। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से यह पता चले कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, किसी ने सामने वाले से उसका नाम पूछा है, यानी कि उससे प्रश्न किया है कि तुम्हारा नाम क्या है, अतः यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, दशरथ कहाँ के राजा थे, किसी ने सामने वाले से पूछा है कि दशरथ कहाँ के राजा थे, अतः इसमें एक प्रश्न किया जा रहा है, अतः यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। हम लोग का पांचवा आता है संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, इसमें एक संदेह है कि शायद आज वर्षा होगी, कोई जरूरी नहीं है कि वर्षा होगी ही, वर्षा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसमें एक संदेह है, तो अतः यह एक संदेहवाचक वाक्य है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, शायद वह मान जाए, किसी को किसी बात पे मनाना है, वह मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है, इसमें संदेह है, कोई निश्चित नहीं है कि वह मान ही जाएगा, अतः यह एक संदेहवाचक वाक्य है। हम लोग का छठा आता है आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे अपना अपना काम करो, कोई है जो सबको कह रहा है कि अपना अपना काम करो, उसमें आदेश दिया जा रहा है कि सब अपना अपना काम करें। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, यह पाठ तुम पढ़ो, किसी को आज्ञा दिया जा रहा है कि यह पाठ तुम पढ़ो, तुम ही को पढ़ना, इसमें आदेश प्रकट हो रहा है, अतः यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। हम लोग का सातवां आता है संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे, इस वाक्य में एक शर्त है कि पिताजी अगर पिताजी आगरा जाएंगे तभी पेठा लाएंगे, पिताजी नहीं जाएंगे तो पेठा नहीं लाएंगे, तो इसमें एक शर्त है ना कि यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे, इसमें आगरा जाने का शर्त है। दूसरा ले लेते हैं, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, इसमें एक संकेत दिया जा रहा है बारिश की ओर कि बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। हम लोग का आठवां आता है इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण ले लेते हैं, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, किसी की लंबी उम्र की इसमें कामना किया जा रहा है, इसमें इच्छा व्यतीत किया जा रहा है कि ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, अतः यह एक इच्छावाचक वाक्य है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ईश्वर करे सब कुशल लौटे, इसमें कामना किया जा रहा है कि सब कोई कुशल लौटे, अतः यह एक इच्छावाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के यही आठ भेद होते हैं। अब आते हैं रचना के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य, तो इन तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु जो क्रिया है वो एक ही होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, राम और श्याम कर्ता दो हैं, राम और श्याम, लेकिन जो क्रिया है वो एक ही है पुस्तक पढ़ने की, अतः यह एक सरल वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो स्वतंत्र या समान स्तर के उपवाक्य और तथा, किंतु, परंतु या अथवा आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे
सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। सवेरा हुआ एक वाक्य है और दूसरा और पक्षी चहचहाने लगे, ये दोनों समान स्तर के उपवाक्य हैं और से जुड़े हैं। समुच्चय बोधक शब्द और से जुड़े हैं, अतः यह एक संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य एवं एक आश्रित उपवाक्य की, जो, जिसकी, जिसे, जैसे, जो वह, जब तब, ज्योतियों, जैसे वैसे, जहां वहां, कहीं, ताकि आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह समुच्चय बोधक शब्द जिसे से जुड़ा हुआ है, अतः यह एक मिश्र वाक्य है। तो फ्रेंड्स, आप सबको वाक्य विचार में इतना ही पढ़ना था जो कि हम आप लोगों को बता चुके। तब तक के लिए धन्यवाद।